जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 जून को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म का खुलासा हुआ और नेपोटिज्म के शिकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसी लहर हमें देखने को मिली जहां पर कई सारे बड़े निर्माता व निर्देशक बेनकाब होते नजर आए। नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी काफी ज्यादा ट्रोल किए गए और उन्हीं में से एक थे सलमान खान। सलमान खान को लेकर नेपोटिज्म का ऐसा दौर हमें देखने को मिला जहां पर लोगों ने उनकी खूब किरकिरी की। सलमान खान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कई सारे स्टार किड्स को अपनी फिल्मों के जरिए लॉन्च किया। सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अपने जीजा आयुष शर्मा को लॉन्च करने का आरोप सलमान खान पर लगा, लेकिन नेपोटिज्म के मुद्दे पर सलमान खान एक लंबे अरसे से चुप थे। लेकिन अब सलमान खान नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर गरज पड़े हैं। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं। बिग बॉस सीजन 40 में अब नेपोटिज्म का मुद्दा पूरी तरीके से छाया हुआ है। राहुल वैद्य ने जान कुमार सानू को लेकर नेपोटिज्म पर कमेंट किया था। राहुल वैद्य के कमेंट के बाद ही माना जा रहा था कि वीकेंड का वॉर में सलमान खान राहुल वैद्य की क्लास लगाएंगे और हुआ भी ऐसे। शनिवार को प्रसारित एपिसोड में बॉलीवुड के कई अभिनेताओं का उदाहरण देते हुए सलमान खान ने राहुल वैद्य से सवाल पूछे जिसका जवाब गायक के पास नहीं था। सलमान खान कहते हैं, अगर आपके माता पिता आपके लिए कुछ करते हैं तो क्या वो नेपोटिज्म कहलाएगा? इस इंडस्ट्री में क्या यह संभव है कि किसी बच्चे को किसी पर थोपा जा सके? इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है। सलमान खान इसी दौरान ये भी कहा कि अभिनेता संजय दत्त, सनी देओल और ऋषि कपूर का आप करियर देख सकते हैं। सलमान खान ने आगे ये भी कहा कि इन अभिनेताओं के पिता ने जरूर इन्हें लॉन्च किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई, इसमें क्या गलत है। सलमान खान ने ये भी बताया कि अजय देवगन के पिता एक एक्शन डायरेक्टर थे जो कि बाद में निर्देशक बने। आज अजय देवगन एक बड़े स्टार हैं, तो अपने अभिनय क्षमता के दम पर वो वहां पहुंचे। यहां सलमान ने कई ऐसे अभिनेताओं का नाम भी लिया जो इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन पहचान बनाने में वो कामयाब रहे। आगे सलमान खान ने ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान दिल्ली से आए हैं, अक्षय कुमार हैं जिनका इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था, मेहनत के दम पर ये सब 20-30 साल से टिके हुए हैं। इतने लंबे समय से वे क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। जैकी श्रॉफ को लाने का श्रेय देवानंद को ही जाता है, जिसमें वो बात है वही चलेगा, जिसमें बात नहीं है वो अपनी खुद की तिजोरी, घर की तिजोरी, माता पिता की तिजोरी खाली करके जाएगा। हालांकि एपिसोड के दौरान सलमान ने खुद का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने पिता सलीम खान से कहा था कि कितने निर्माता निर्देशक उनके यहाँ आते रहते हैं, उनका नाम क्यों नहीं देते, जिस पर सलमान खान के पिता ने कहा था कि अगर तुम में बात होगी तो वो खुद ही देखकर अपनी फिल्मों में ले लेंगे। ये दर्शकों के हाथ में होता है कि वे किसे खारिज कर देंगे और किसे स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह सलमान खान ने बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म का करारा जवाब दिया है। सलमान खान के मुताबिक, अगर आप में हुनर है और आप में मेहनत करने की क्षमता है तो आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई भी आउट नहीं कर सकेगा, जिसका उदाहरण उन्होंने अक्षय कुमार और शाहरुख खान को लेकर दिया है।